पवन कुमार जी, आपका ये जैसे नाम है और आप बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, आपका जज्बा है, आप युवा हैं, तो सर ये आपने जो ये संस्था जो बनाई है TVFF NGO, इसका क्या मतलब है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? लोग कैसे समझे कि TVFF NGO है? सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद सर। और आपके स्टूडियो में जो आपने हमें आमंत्रित किया उसके लिए TVFF NGO परिवार आपका आभारी है। द बींग फ्यूचर फाउंडेशन TVFF जो कि रिप्रेजेंट करता है द बींग फ्यूचर फाउंडेशन, यानी बदलते भविष्य की नींव जी। TVFF NGO का मेन आधार है कि हम अपने हर उस सदस्य, अपने हर उस कर्मठ व्यक्ति के बदलते हुए भविष्य की नींव रखें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी सामर्थ और जो अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी तरीके की शक्ति और किसी भी तरीके की ऊर्जा को लेकर अगर आगे बढ़ना चाहता है, उनके भविष्य की नींव को रखने में द बींग फ्यूचर फाउंडेशन हमेशा आगे रही है और इसी को आधार रखे हमने अपनी संस्था का नाम TVFF NGO रखा था। 2009 से संस्था कार्य कर रही है। तो सर ये जो आपका जो इतना आपने जो इतना बड़ा नाम रखा है और सर ये जो काम करने की भावना है या ये आपका जो ये जो जज्बा है काम करने के लिए गरीबों के लिए, तो ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं बहुत पहले से बचपन से ही कई बार कुछ ऐसी चीज़ों को देखता था कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कभी भी अपने बचपन, अपने सही रिसोर्सेज या किसी भी तरीके की सहयोग ना तो माता पिता से मिल पाता है और ना किसी तरीके का सहयोग उनको परिवार और अपने समाज से मिल पाता है। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने अपने माता पिता को एक छोटी छोटी एक्टिविटी करते हुए देखा कि कई बार वो हमारे जो जन्मदिन होते थे, घर में किसी भी सदस्य का कोई भी ऐसा पर्व आता था तो हम उस पर्व को उन लोगों के साथ मनाते थे कि जो लोग अपनी खुशी को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं जी, अपनी उन अंतर्वेदनाओं को, उन भावनाओं को जो व्यक्त नहीं कर पाते, तो शुरू से ही माता पिता से मतलब प्रेरणा लेकर उन छोटी छोटी चीज़ों को इकट्ठा करके जब अपने आप को हमने इस एलिजिबिलिटी में पाया कि मैं भी एक छोटे से स्तर पे कुछ ऐसे लोगों को हम अपना मदद करें जिनसे आत्मिक शांति मिले, तो उसी एक आधार को लेके द बींग फ्यूचर फाउंडेशन की रचना हमने की और उन प्रयासों को आगे रखकर हमने संस्था में फिजिकली चैलेंज्ड, डिसेबल्ड पीपल और पुअर चाइल्ड एजुकेशन को आधार बना के संस्था का इस गठन किया। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी बात कही और सर आपको ये परिवार से ही आपको ये प्रेरणा मिली। तो सर जब ये आप ये काम करते हैं तो आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? परेशानियाँ तो मैं नहीं कहूँगा, पर किसी भी काम को करने में कुछ ऐसी गतिविधियाँ होती हैं कि जिन गतिविधियों से आपको गुजरना पड़ता है जी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप किसी ज़रूरतमंद की मदद करना चाहते हो लेकिन उस ज़रूरतमंद की मदद करने में आपको बहुत सारी कुछ परेशानियाँ सामने आती है। क्यों? आप अपने घर से, आप अपने परिवार से, आप अपने समाज से कुछ इस तरीके से बाधित हो कि आप खुल कर उन लोगों की मदद नहीं कर सकते, लेकिन उन छोटे छोटे हर्डल्स को पार करके हमने इन लोगों को, इन व्यक्तियों को अपने अपने क्षेत्र से इन तक हम गए, हमारी TVFF NGO की टीम वहाँ पहुँची और हमने एनालिस किया कि पूरे समाज को हम नहीं बदल सकते जी, लेकिन एक छोटे से क्षेत्र से अगर हम अपनी NGO के माध्यम से शुरुआत करें तो शायद इस बदलाव को हम पूरे भारतवर्ष तक हम लेके आ सकते हैं। नहीं सर, बहुत अच्छी बात की आपने इस तरीके से बताया। सर जब दूसरे, आप आज का तो समय ये है, एक कल्चर बन गया कि आप किसी की सेवा करेंगे तो दूसरा वाला आदमी कहता है इसे तो लालच है। लालच आप नहीं कह सकते, क्योंकि देखो अगर जब आप किसी मिशन पर, किसी भी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले अगर कोई बड़े लेवल पर, किसी भी बड़े स्तर पर अगर आपको कोई बदलाव लेके आना है तो सबसे पहले आपको अपने मन की सुननी चाहिए। आप अपने मन की सुने, ये ना सुने आपके किसी भी गतिविधि, किसी भी आपके स्टेप या इनिशिएटिव पर समाज क्या सोच रहा है, आपके आसपास वाले लोग क्या सोच रहे हैं, वो आपके किसी भी स्टेप को किस तरीके से लेते हैं, इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए आप अपने अगर लक्ष्य पे आगे बढ़ रहे हैं तो निसंकोच
आपको अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति होगी और आपको अपना जो मिशन, जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है उसको प्राप्ति में भी आपको किसी तरीके का संकोच और किसी तरीके की हर्डल्स नहीं आ सकती है। सर, आप इसके TVFF NGO के प्रेसिडेंट भी हैं, और सर ये जो आपका जो इतना बड़ा एक संगठन है, आपकी कितनी बड़ी NGO है, तो आप इन लोगों का आपके साथ कैसा एक रवैया रहता है? मेरी TVFF NGO के जितने भी मेरे पदाधिकारी हैं, हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, मेरी संगठन के सभी सदस्य, वो सब हम एक परिवार हैं। यहाँ कोई भी अध्यक्ष नहीं है, कोई आपका महासचिव नहीं है, कोई सह सचिव नहीं है, ये एक परिवार है। ये मेरी सदस्य टीम और मेरे वॉलेंटियर्स और मेरी पदाधिकारियों का एक सौभाग्य मेरा है कि जो उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद के लिए और मार्गदर्शन के लिए, इस काम के लिए मुझे चुना है। बाकी हम सबका सबका सहयोग, सबका साथ, हम इसी माध्यम से और इसी उद्देश्यों को लेकर। सर, जो आपने जो अभी वर्ड बोला कि सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हैं, तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का ये वर्ड है? नहीं, नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बात अभी मात्र 3 साल पहले कही जी, लेकिन यही बात युगों युगों से स्वामी विवेकानंद जी, गौतम बुद्ध जी और हमारे देश के जितने भी संत महात्मा और अब तक पूर्वज हुए हैं, उन सब का यही उद्देश्य है। इनको आप शास्त्रों में हर जगह पर उठा के देखा जा सकता है कि ये एक बेसिक आप लोगों का एक थीम है कि जब तक आप सबका साथ नहीं लोगे और सबके विकास के बारे में नहीं सोचोगे, तो आपको उस एक पर्टिकुलर फोकस को हासिल नहीं किया जा सकता। वो एक इत्तेफाक है कि मोदी जी ने इसको अपना नारा बना दिया है जी, लेकिन हमारे गणमान्य नरेंद्र मोदी साहब ने देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं। हमारी संस्था भी उन बहुत सारी योजनाओं से प्रेरित होकर अपना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और आपका PMKVY, स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, MSME और महिलाओं के संगठन के लिए बहुत सारी संस्थाएं जो इस मोदी जी ने योजना बनाई। पवन कुमार जी, आप एक एम्बुलेंस की भी सेवा देते हैं? एम्बुलेंस की सेवा मेरे सहभागी संस्था माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट, जो कि हमारे मनोज जिंदल जी एक बहुत ही कर्मठ और एक बहुत प्रसिद्ध समाज सेवी हैं, उनके माध्यम से हैं। हम दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन इन सब सेवाओं को निस्वार्थ भाव से हमारे क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासियों के लिए हमने निशुल्क इस सेवा को रखा है, ताकि कोई भी वो व्यक्ति जो किसी भी समस्या, किसी भी परेशानी में अगर कभी भी आता है, तो उनको इन तरीके की इस समस्याओं के लिए और इन ज़रूरतों के लिए कभी इधर उधर भागना नहीं पड़े और उनको आसानी से ये सुविधाएं मिल सके। उसी के एक प्रयास के लिए मैं बहुत ही उत्साहित और बहुत ही आपका शुभ विचारों के साथ मनोज जिंदल जी को ये शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने ये प्रयास किया माता सरोज जिंदल चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से। पवन कुमार जी, आप 16 जनवरी को एक बलिदान दिवस का एक प्रोग्राम मनाने जा रहे हैं और उसमें आप जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को आप आमंत्रित कर रहे हैं, तो सर उस प्रोग्राम को मनाने का क्या आपका एक लक्ष्य है? बलिदान अवार्ड कार्यक्रम, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, कि बलिदान अवार्ड कार्यक्रम की जो फाउंडेशन है वो TVFF NGO और मेरा एक सहभागी संगठन इंडियन ब्रेव हार्ट्स, जिन्होंने इस कार्यक्रम की नींव रखी। बलिदान अवार्ड ये एक महज एक कार्यक्रम नहीं है, बलिदान एक प्रोजेक्ट है। हमने अब तक जो भी हमारे देश के अमर जवान शहीद हुए, जो देश के लिए जिन्होंने अपना बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्तर पर त्याग किया है, उन सभी के त्याग को पूरे देश, पूरी जनता और देश के हमारे युवा वर्ग को उस याद, उस बलिदान को, उस त्याग को एक ताज़ा करने के लिए, इन लोगों के त्याग की एक श्रद्धांजलि देने का प्रयास बलिदान अवार्ड के माध्यम से TVFF NGO और इंडियन ब्रेव हार्ट्स कर रही है। पवन कुमार जी, ये आपके मन में कैसे विचार उत्पन्न हुआ कि हमें एक बलिदान दिवस मनाना चाहिए और हमें बलिदान, जो जिन लोगों ने बलिदान दिया उनके परिवार को हमें एक शांति एक देनी चाहिए, तो आपके मन में कैसे ये जागृति पैदा हुई? ये इसमें कोई विशेष, इसके पीछे कोई ऐसा तथ्य नहीं है द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन का।
लेकिन जैसे कि अब तक द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन और इंडियन ब्रेव हार्ट्स की अपने सभी अपने टॉपिक पर लगातार रेगुलर फंक्शन करती आ रही है। हमने स्वच्छ भारत अभियान किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, हमने आपका कलर्स ऑफ इंडिया का देश की सभ्यता के लिए फंक्शन किए। तो बहुत लंबे समय से हमारी संस्था इस प्रयास में थी कि हमने अपने देश के लिए, अपने देश की उन अमर जवान शहीदों, उन वीर नारियों के लिए एक सच्ची श्रद्धांजलि का प्रयास संस्था जो कर रही थी, उसी के माध्यम से हमने इस बलिदान अवार्ड कार्यक्रम की एक नींव रखी। एक ये छोटा सा प्रयास है हमारा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के उन सभी वीर जवानों की उस शहादत को याद करें और उनकी उस कुर्बानी को हम देश और देश की जनता के सामने लाएं। एक इसी लक्ष्य और प्रयास के माध्यम से हमने सर ये कौन सा प्रोग्राम है आपका, ये मतलब कितनी बार इस तरीके के बलिदान दिवस मना चुके हैं आप? बलिदान अवार्ड कार्यक्रम द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन और इंडियन ब्रेव हार्ट्स, अब से पहले हमने 15 अगस्त गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस के बहुत सारे कार्यक्रम संस्था के माध्यम से किए हैं, लेकिन बलिदान अवार्ड कार्यक्रम संस्था के माध्यम से पहली दफ़ा किया जा रहा है, क्योंकि इसको हमने एक नेशनल इवेंट बनाया है, एक राष्ट्रीय पर्व की तरह इसको मनाया जा रहा है कि इस ये एक कार्यक्रम नहीं है, इसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है। वह सभी परिवार, वह सभी अपना अमर जवान शहीद, वो वीर नारियां जो देश के लिए शहीद हुए हैं, उन सभी परिवारों को हमने उनकी अपना एजुकेशन हेल्प, उन लोगों को आगे भविष्य में किसी भी तरीके की हायर एजुकेशन, उन लोगों के स्वास्थ्य की और उन लोगों के परिवारों को एक सेफ्टी के लिए एक बलिदान प्रोजेक्ट बनाया है कि जो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश है, उसके अलावा साल प्रतिवर्ष इसको इसी तरीके से मनाया जाएगा और उन वार विडोज़ और उन हमारे देश के अमर जवान शहीदों को याद किया जाएगा। सर ये आप ये भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये पहला प्रोग्राम अवार्ड का ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या ऐसे प्रोग्राम आप और स्टेटों के अंदर भी करने जा रहे हैं? हाँ निसंदेह, द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन और इंडियन ब्रेव हार्ट्स हमारा अब तक जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर शरीफ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, बीकानेर और देश के बहुत सारे शहरों में संस्था कार्यक्रम अपने कर चुकी हैं अलग अलग माध्यम से, और बलिदान दिवस को भी TBFF NGO और इंडियन ब्रेव हार्ट्स देश के सभी शहरों और सभी राज्यों में ले जाने का प्रयास करेगी। इसलिए देश की राजधानी क्षेत्र से हमने इसकी शुरुआत की है ताकि देश की राजधानी में हम अपने आपके गणमान्य सभी, आपका आर्मी पर्सनल्स, आपके तीनों आर्मी चीफ और देश की रक्षा सेना से हम यहाँ प्रयास करके इसके देश के कोने कोने में इसको पहुँचाया जा सके। TBFF NGO का यही प्रयास लेकर हम आगे इसको बढ़ेंगे। पवन कुमार जी, मेरा अंतिम क्वेश्चन कि आप जनता से क्या अपील करते हैं और जो जो बलिदान जिन्होंने दे दिया उनके परिवार को आप क्या एक शांति संदेश देना चाहते हैं? द बीइंग फ्यूचर फाउंडेशन और इंडियन ब्रेव हार्ट्स के माध्यम से मैं आप सभी देशवासियों से एक यही अपील करना चाहता हूँ कि आप बलिदान अवार्ड्स कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आप अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद से इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इस कार्यक्रम में आप अपने अपने माध्यम से शामिल हो। आप देश के कोने कोने, देश के सभी युवा वर्ग, देश के उन सभी पहलुओं को ये संदेशा पहुंचाएं। आज डिजिटल इंडिया हमारे नरेंद्र मोदी जी ने फैलाया है, तो मैं आप सभी देशवासियों से अपील करता हूं आप इस कार्यक्रम को हमारे गूगल पर और हमारी संस्था की वेबसाइट पर देखकर सभी लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बलिदान अवार्ड कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें और इस कार्यक्रम को सफल बना सकें।